अध्यात्म रामायण अयोध्या कांड तृतीय सर्ग राजा दशरथ का कैकेयी को वर देना। श्री महादेव जी बोले, तदनंतर महाराज दशरथ ने रामचंद्र जी के अभ्युदय के लिए प्रजावर्ग और मंत्रियों को मांगलिक कार्यों के लिए आज्ञा देकर आनंद पूर्वक अपने रनिवास में प्रवेश किया। वहां अपनी प्रिया कैकेयी को न देखकर वे अत्यंत विहल होकर मन ही मन कहने लगे, क्या कारण है जो पहले अपने महल में घुसते ही सदा हंसती हुई मेरे सामने आती थी, वह सुमुखी आज दिखाई ही नहीं दे रही है। अपने चित्त में अत्यंत दुख मानकर इसी प्रकार सोचते सोचते उन्होंने दासियों से पूछा, आज तुम्हारी सुलक्षणा स्वामिनी कहाँ है? वह प्रिय दर्शना प्रिया आज पूर्ववत मेरे सामने क्यों नहीं आती? दासियों ने कहा, देव कारण तो मालूम नहीं, किंतु आज वे कोप भवन में गई हुई हैं, आप स्वयं ही वहां जाकर सब हाल जान लीजिए। दासियों के इस प्रकार कहने पर राजा भयभीत होकर उसके पास गए और वहां बैठकर उसके शरीर पर धीरे धीरे हाथ फेरते हुए बोले, अय वीरू, आज पलंग आदि को छोड़कर इस प्रकार पृथ्वी पर क्यों पड़ी हो? तुम हमसे कुछ बोलती क्यों नहीं? इसमें हमें बड़ा खेद हो रहा है, समस्त आभूषण छोड़कर तुम मलिन वस्त्र पहने हुए पृथ्वी पर क्यों पड़ी हो? तुम्हारी जो इच्छा हो सो कहो, मैं सब पूर्ण करूँगा। तुम्हारा अनिष्ट करने वाला कौन है? वह स्त्री हो अथवा पुरुष, अवश्य मेरे दंड का पात्र होगा। यही नहीं, उसका वध भी किया जा सकता है। हे देवी, जिस प्रकार तुम्हारी प्रसन्नता हो वह मुझसे अवश्य कहो। वह कार्य अत्यंत दुर्लभ होने पर भी मैं इसी समय एक क्षण में ही पूरा कर दूंगा। तुम मेरे हृदय को जानती ही हो, मैं तुम्हारा अत्यंत प्रिय और तुम्हारे वशीभूत हूँ, फिर भी तुम मुझे खिन्न करती हो। तुम्हारा यह प्रसंग व्यर्थ है, बताओ तुम्हारा प्रिय करने वाले किस कंगाल को मैं धनी कर दूं, अथवा तुम्हारे अप्रियकारी किस धनपति को एक क्षण में ही कंगाल बना दूं? बताओ किस अवध्य को मार डालूं और किस वध्य को छोड़ दूं? हे प्रिय, इस विषय में और अधिक क्या कहूं, मैं तुम्हें अपने प्राण भी दे सकता हूं। कमल नयन राम मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं, मैं उन्हीं की शपथ करके कहता हूँ कि तुम्हें जो कुछ प्रिय हो मैं वही करूँगा। महाराज दशरथ के राम की सौगंध खाकर इस प्रकार कहने पर कैकेयी ने धीरे धीरे अपने आंसू पोंछकर राजा से कहा, राजन, यदि आप सत्य प्रतिज्ञ हैं और शपथ भी करते हैं तो शीघ्र ही मैं जो कुछ मांगूँ उसे सफल कर देना चाहिए। पूर्व काल में देवासुर संग्राम में मैंने आपकी रक्षा की थी, उस समय प्रसन्नचित्त होकर आपने मुझे दो वर देने को कहा था। हे सुब्रत, मैंने वे दोनों वर आपके पास धरोहर के रूप में रख दिए थे। अब उनमें से एक वर से तो तुरंत ही मेरे प्रिय पुत्र भरत को इस एकत्रित की हुई सामग्री से युवराज पद पर अभिषिक्त कीजिए और दूसरे से तुरंत ही राम दंडक वन को चले जाएँ। वहाँ श्रीमान राम को जटा बलकल आदि धारण कर कंद मूल फल खाते हुए मुनि वेश से 14 वर्ष तक रहना चाहिए। उसके पश्चात अपनी इच्छा से चाहे वे अयोध्या लौट आवें अथवा वन ही में रहें, किंतु कमल नयन राम कल सवेरे ही अवश्य वन को चले जाएं। यदि इसमें कुछ देरी होगी तो मैं आपके सामने ही अपने प्राण छोड़ दूंगी। आप अपनी प्रतिज्ञा सत्य कीजिए, मेरा प्रिय कार्य बस यही है। कैकेयी के ऐसे रोमांचकारी कठोर वचन सुनकर महाराज दशरथ वज्राहत पर्वत के समान गिर पड़े। तत्पश्चात धीरे धीरे नेत्र खोलकर अति भयपूर्वक आंसू पोंछे और मन ही मन कहने लगे, मैंने यह कोई दुस्वप्न देखा है या मेरे चित्त को भ्रम हो गया है? इसी समय अपने सामने सहनी के समान बैठी हुई रानी कैकेयी को देखकर कहने लगे, हे भद्रे, मेरे प्राणों को हरने वाले तुम ये क्या वचन बोल रही हो? कमल नयन राम ने तुम्हारा क्या अपराध किया है? तुम तो अहनिस मेरे सामने राम के शुभ गुण गाया करती थी। तुम तो पहले कहा करती थी कि राम मुझे और कौशल्या को समान जानकर सदा ही मेरी सेवा किया करते हैं।
फिर इस समय तुम यह उल्टी बात कैसे कह रही हो? तुम अपने पुत्र के लिए राज्य ले लो, किंतु राम को घर ही रहने दो। हे वामे, तुम मुझ पर कृपा करो, राम से तुम्हें कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर महाराज दशरथ नेत्रों में जल भरकर केकई के चरणों में गिर पड़े। तब उस केकई ने आंखें लाल करके यों कहा, राजेंद्र, क्या तुम्हारी बुद्धि में भ्रम हो गया है जो अपने कथन के विपरीत बोल रहे हो? याद रखो, यदि तुमने अपनी प्रतिज्ञा भंग कर दी तो तुम्हें नरक भोगना पड़ेगा। सुनो, यदि कल प्रातःकाल ही मृग चर्म और बलकल वस्त्र धारण कर राम वन को न गए तो मैं तुम्हारे सामने ही फांसी लगाकर या विष खाकर मर जाऊंगी। तुम संसार में सभी सभाओं में मैं सत्य प्रतिज्ञ हूँ ऐसा कहकर लोगों को धोखे में डाला करते हो। अब तुम राम की शपथ करके की हुई प्रतिज्ञा को भी तोड़ रहे हो, अतः तुम्हें नरक में जाना पड़ेगा। अपनी प्रिया के ऐसे कठोर वचन सुनकर महाराज दशरथ दुख समुद्र में डूबकर बड़े व्याकुल हो गए और मृतक के समान मूर्छित तथा संज्ञा शून्य होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। इस प्रकार अत्यंत दुख के कारण उनकी वह रात्रि एक वर्ष के समान बीती। इधर अरुणोदय होते ही गायक और बंदीजन स्तुति गान करने लगे, किंतु कैकेयी उन सबको रोककर क्रोध से बैठी हुई थी। तदनंतर प्रातःकाल होने पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ऋषिगण, कन्याएं, दिव्य छत्र और चंवर तथा हाथी और घोड़े आदि सभी अभिषेक उपयोगी वस्तुएं मध्य द्वार पर उपस्थित की गईं। इनके अतिरिक्त वशिष्ठ जी के आज्ञानुसार मुख्य मुख्य वारांगनाएं तथा पुरवासी और जनपदवासी भी वहां उपस्थित हो गए। उस रात स्त्री, बालक और वृद्ध किसी को भी नींद नहीं आई। सभी को यह चटपटी लगी रही कि हम रेशमी पीतांबर पहने भगवान राम को कब देखेंगे, जो समस्त आभूषणों से सुसज्जित उज्ज्वल किरीट और कटक पहने हुए हैं तथा कौस्तुभ मणि से विभूषित और सैकड़ों कामदेवों के समान सुंदर श्याम वर्ण हैं, एवं सर्व सुलक्षण संपन्न श्री लक्ष्मण जी ने जिनके ऊपर श्वेत छत्र लगा रखा है, ऐसे श्री राम को राज्याभिषेक के अनंतर मंद मुस्कान के सहित हाथी पर चढ़कर आते हुए हम कब देखेंगे? वह मंगल प्रभात कब होगा? इस प्रकार सभी प्रवासियों का चित्त अति उत्कंठित हो रहा था। इसी समय मंत्रवर सुमंत्र यह सोचकर कि महाराज अभी तक कैसे नहीं उठे, धीरे से जहाँ राजा दशरथ थे वहाँ गए। वहाँ पहुँचकर उन्होंने जय जयकार कर राजा को सिर झुकाकर प्रणाम किया और उन्हें अत्यंत खिन्न देखकर कैकेयी से पूछा, देवी कैकेयी, आपका अभ्युदय हो, कहिए आज महाराज अनमने कैसे दिखाई देते हैं? इस पर कैकेयी ने कहा, आज महाराज को रात्रि में बिल्कुल नींद नहीं आई। रात्रि भर राम का चिंतन करते हुए राम 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 ही रटते रहे। इस प्रकार जागते रहने के कारण ही राजा कुछ अस्वस्थ से दिखाई देते हैं। महाराज राम को यहाँ देखना चाहते हैं, इसलिए तुम शीघ्र ही उन्हें लिवा लाओ। भामिनी, महाराज की आज्ञा पाए बिना मैं कैसे जा सकता हूँ? मंत्री का यह वचन सुनकर महाराज बोले, सुमंत्र, मैं मनोहर मूर्ति राम को देखूँगा, तुम उन्हें शीघ्र ही ले आओ। राजा के ऐसा कहते ही सुमंत्र तुरंत राम के महल को गए और बिना रोक टोक के तुरंत भीतर जाकर राम से कहा, कमल नयन राम, तुम्हारा कल्याण हो, तुम शीघ्र ही मेरे साथ पिताजी के घर चलो, महाराज तुम्हें देखना चाहते हैं। यह सुनते ही राम चकित से होकर तुरंत ही रथ पर चढ़कर चले। सारथी और लक्ष्मण के सहित भगवान राम ने मध्य द्वार पर विराजमान वशिष्ठ आदि गुरुजनों का केवल दर्शन मात्र से ही सत्कार कर जल्दी से पिताजी के पास पहुँच उनके चरणों में प्रणाम किया। उस समय राम को गले लगाने के लिए ज्यों ही उठकर महाराज दशरथ ने आवेग के साथ हाथ बढ़ाए कि वे बीच ही में दुखपूर्वक हा राम कहते हुए गिर पड़े। तब रामचंद्र जी ने हाहाकार करते हुए अति शीघ्रता से उन्हें गले लगाकर अपनी गोद में बैठा लिया। महाराज को मूर्छित देखकर रनवास की समस्त महिलाएं रोने लगीं। तब यह सोचकर कि यह रुदन क्यों हो रहा है, वहां वशिष्ठ जी भी चले आए। भगवान राम ने कैकेयी से पूछा, महाराज के इस दुख का क्या कारण है? उनके इस प्रकार पूछने पर कैकेयी ने कहा, हे राम,
महाराज के इस दुख के कारण तुम ही हो। तुम्हें उनके दुख को शांत करने के लिए उनका कुछ प्रिय कार्य करना होगा। तुम सत्य प्रतिज्ञ हो, महाराज को भी सत्यवादी बनाओ। उन्होंने प्रसन्न होकर मुझे दो वर दिए हैं, किंतु उनकी सफलता तुम्हारे ही अधीन है। महाराज को तो तुमसे कहने में संकोच मालूम होता है, किंतु तुम्हें सत्यपास में बंधे हुए अपने पिताजी की अवश्य रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि पुत्र शब्द का अर्थ ही यह है कि जो पिता की नरक से रक्षा करता है। कैकेयी की बातें सुनकर राम ने मानो शूल से विद्ध हुए के समान व्यथित होकर कहा, माते आज हमसे ऐसी बातें क्यों करती हो? पिताजी के लिए मैं जीवन दे सकता हूँ, भयंकर विष पी सकता हूँ और सीता, कौशल्या तथा राज्य को भी छोड़ सकता हूँ। जो पुत्र पिता की आज्ञा के बिना ही उनका अभीष्ट कार्य करता है वह उत्तम है, जो पिता के कहने पर करता है वह मध्यम है, और जो कहने पर भी नहीं करता वह पुत्र तो विष्ठा के समान है। अतः पिताजी ने मेरे लिए जो कुछ आज्ञा की है उसे मैं अवश्य पूर्ण करूँगा, यह सर्वथा सत्य है। राम दो बात कभी नहीं कहता। राम की ऐसी प्रतिज्ञा सुनकर कैकेयी ने इस प्रकार कहना आरंभ किया, हे राम, तुम्हारे अभिषेक के लिए जो कुछ सामग्री एकत्रित की गई है उसके द्वारा निश्चय ही मेरे प्रिय पुत्र भरत का अभिषेक होना चाहिए। यही मेरा प्रथम वर है। दूसरे वर के अनुसार पिता की आज्ञा से आज तुरंत ही तुम बलकल वस्त्र और जटा धारण कर वन को जाओ और वहाँ मुनिजनोचित भोजन करते हुए 14 वर्ष तक रहो। बस तुम्हारे पिता का यही कार्य है जो तुम्हें करना चाहिए, किंतु राजा इन सब बातों को तुमसे कहने में संकोच करते हैं। श्री रामचंद्र जी बोले, माता, भरत आनंद से यह राज्य भोगें और मैं भी अभी दंडकारण्य को जाता हूँ, किंतु इसका कारण मालूम नहीं होता कि महाराज मुझसे क्यों नहीं कहते। राम के ये वचन सुनकर और उन्हें अपने सामने बैठे देखकर दुखातुर महाराज दशरथ ने इस प्रकार अति दुख भरे वचन कहे, राम, मुझ स्त्री परवश भ्रांत चित्त कुमार्गामी पापात्मा को छोड़कर, पापात्मा को बांधकर यह राज्य ले लो, इससे तुम्हें कोई पाप न लगेगा। हे रघुनंदन, ऐसा होने पर मुझे भी असत्य स्पर्श न करेगा। ऐसा कहे राजा दशरथ दुखातुर होकर विलाप करने लगे, हा राम, हा जगन्नाथ, हा प्राण प्यारे, मुझे छोड़कर तुम घोर वन में जाना कैसे उचित समझ रहे हो? ऐसा कहकर उन्होंने राम को गले लगा लिया और जी खोलकर रोने लगे। तब राम ने हाथ में जल लेकर पिता के आंसू पोंछे और नीति कुशल राम जी ने धीरे धीरे उन्हें धाड़स बंधाया। वे कहने लगे, प्रभु, यदि मेरे छोटे भाई भरत राज्य शासन करें तो इसमें दुख की क्या बात है? मैं भी इस प्रतिज्ञा का पालन कर फिर आपके पास अयोध्या लौट ही आऊँगा, और हे राजन, वन में रहने से तो मुझे राज्य से भी करोड़ गुना सुख मिलेगा, प्राप्त होगा। इसमें आपके सत्य की रक्षा होगी, देवताओं का कार्य सिद्ध होगा और कैकेयी का भी हित होगा। अतः हे राजन, वनवास में सब प्रकार महान गुण हैं, अब मैं शीघ्र ही जाना चाहता हूँ। माता, कैकेयी की हार्दिक व्यथा शांत हो, अभिषेक के लिए एकत्रित की हुई यह सामग्री अलग रख दी जाए। माता कौशल्या को सांत्वना देकर और जानकी को समझा बुझाकर मैं अभी आता हूँ और आपके चरणों की वंदना कर आनंद पूर्वक वन को जाता हूँ। ऐसा कहे उन्होंने पिता की परिक्रमा की और माता से मिलने के लिए आए। इस समय माता कौशल्या राम के मंगल के लिए श्री विष्णु भगवान की पूजा कर रही थी। उन्होंने कुछ पहले हवन करा के ब्राह्मणों को बहुत सा धन दिया था और इस समय वह मौन धारण कर एकाग्र चित्त से श्री विष्णु भगवान का ध्यान कर रही थी। अपने हृदय में अंतर्यामी अद्वितीय चिदघन स्वरूप तेजोमय निरतिश यश स्वरूप सदानंदमय भगवान विष्णु का ध्यान करती रहने के कारण उन्होंने श्री रामचंद्र जी को नहीं देख पाया। अध्यात्म रामायण अयोध्या कांड तृतीय सर्ग समाप्त। जय श्री राम।